टारगेट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था, भाषा का इतिहास, जहां पर मैंने बताया था कि भाषा क्या है, किस प्रकार बोली जाती है, किस प्रकार अभिव्यक्ति का माध्यम बनी और भाषा की विशेषता क्या है। आज हम देखेंगे कि भाषा किन माध्यमों से समाज में आई और भाषा के रूप क्या हैं। खासकर भाषा अभिव्यक्ति का जो माध्यम बनकर आई, उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ, इस विकास के क्रम में भाषा को कितनी भागों में वर्गीकृत किया गया, तो आज हम पढ़ेंगे भाषा का वर्गीकरण। उससे पहले मैंने कल की क्लास में बताया था कि चार विद्वान हैं जिन्होंने भाषा की परिभाषा दिया है, और उन विद्वानों में भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, हेनरी स्वीट तथा श्याम सुंदर दास का जिक्र मैंने कल की क्लास में किया था। तो मैं आज की क्लास में एक परिभाषा विद्वान की बताएंगे। सबसे पहले भोलानाथ तिवारी ने भाषा की एक परिभाषा देते हुए कहा कि भाषा निश्चित ध्वनि चिन्ह का संस्कृत यादृच्छिक रूप है, जहां पर मनुष्य के बीच परस्पर अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। साथ ही साथ भाषा का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। भाषा के वर्गीकरण का पहला आधार जो है वो है परिवार। परिवार के आधार पर भाषा का वर्गीकरण संपूर्ण विश्व के परिवार पर किया गया, और संपूर्ण विश्व के परिवार को 18 भागों में विभाजित किया गया, और इन 18 वर्गों की परिवार में जो आपकी हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार, भारोपी परिवार की भाषा है, और भारोपी परिवार की भाषा को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया, और इस भारोपी परिवार में दो वर्ग हुए, केतुम और सतम। सतम वर्ग की आपकी हिंदी है। अब परीक्षा में सवाल आएंगे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपी परिवार या इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है, और सवाल आएगा कि भारोपी परिवार की किस वर्ग की भाषा है, तो आप कहेंगे सतम वर्ग की भाषा है। तथा दूसरा वर्गीकरण का जो आधार है वो आकृत मूलक आधार है। आकृत मूलक वर्गीकरण का श्रेय प्रोफेसर स्लेगल को जाता है। प्रोफेसर स्लेगल ने पहली बार भाषा को आकृति के आधार पर बांटा, तो देखिएगा आकृति के आधार पर भाषा दो प्रकार से बट गई। पहला संयोगात्मक मक और दूसरा वियोगात्मक। संयोगात्मक क्या है? संयोग का मतलब होता है जुड़ाव, लगाव, अर्थात ऐसी भाषा जिनमें कारक चिन्ह या परसर्ग उसी शब्दों में जुड़े हो, अलग न हो, उसे हम संयोगात्मक भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा हमारी संस्कृत
संस्कृत ऐसी ही भाषा है तथा वियोगात्मक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें परसर्ग या कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। ऐसी हमारी हिंदी है, एसआई के सिलेबस में यह पूछा यह रखा गया है कि भाषा क्या है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा हिंदी किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। या दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि वियोगात्मक भाषा हिंदी क्यों है, तो वियोगात्मक भाषा हिंदी इसलिए है क्योंकि वह उसमें कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। और इस तीसरे प्रकार का प्रश्न नेट में पूछा जा सकता है कि आकृत मूलक वर्गीकरण किस विद्वान ने किया, तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया। इस प्रकार भाषा जो है दो वर्गों में विभक्त हुई, पारिवारिक और आकृत मूलक में। पारिवारिक में 18 परिवार और आकृत मूलक में 2 वर्ग। अब विश्व की भाषा के इतिहास को हम देखें तो लगभग विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और इन 3000 भाषाओं में आपको पढ़ना किस भाषा को है, हिंदी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा किस प्रकार से भाषा बनती है। तो भाषा विकास के का 3 चरण है। पहला भाषा, उपभाषा और बोली। इसी को उल्टा कर देने पर बोली, उपभाषा और भाषा, ये जो 2 बातें लिखी हुई हैं यह उत्तरोत्तर ह्रास की ओर संकेत कर रही हैं। पहला जो है उत्तरोत्तर ह्रास की ओर है और दूसरा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। अब भाषा जिसकी मान्यता प्राप्त हो वह भाषा है, जिसको संविधान में स्थान दिया जाए, जिस जो संपूर्ण मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, तो भाषा हम उसी को कहते हैं जिसका साहित्यिक महत्व होता है या अपना साहित्य होता है। और साहित्यिक भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। समय के साथ भाषा का विकास, समय के साथ भाषा की अवनति दोनों होती जाती है। तो भाषा जब साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर लेगी तो भाषा कहलाएगी और वो संपूर्ण देश में व्यवहारित होगी या प्रचलित होगी। जब वही भाषा एक सीमित क्षेत्र में, एक राज्य विशेष में, एक अंचल विशेष में बोली जाने लगेगी, उसका साहित्य कम होगा, वह उपभाषा है, तथा उससे भी छोटा एक गांव से दूसरे गांव में जो बोलने का अंतर है, अभिव्यक्ति का अंतर है, उसे ही हम बोली कहते हैं। अब भाषा कभी भी बोली बन सकती है और कभी भी बोली भाषा के दर्जे को प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले बोली अंचल विशेष की या गांव की अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिर जब वही बोली विस्तृत होती है 2-4 जिलों, 2-4 प्रांतों में अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, उसका थोड़ा बहुत साहित्य होता है, उसे हम उपभाषा कहते हैं, तथा भाषा हम उसे कहते हैं जो मानक रूप से
जगह अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाए और तथा उसका एक निश्चित साहित्य और निश्चित व्याकरण हो, व्याकरण हो जाए, उसे हम भाषा कहते हैं। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किस प्रकार बोली का रूप ग्रहण करती है और एक बोली किस प्रकार समय के साथ भाषा में बदल जाती है। हमको जिस भाषा को पढ़ना है वह है हिंदी। हिंदी, हिंदी जाहिर सी बात है अपनी मातृभाषा भी है, अपनी राजभाषा भी है, अपनी राष्ट्रभाषा भी है। इसलिए हिंदी जो है बड़ी सरल लगती है, लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, हिंदी से कठिन कुछ नहीं। उर्दू 2 घंटे में सीखी जा सकती है, अंग्रेजी 4 घंटे में सीखी जा सकती है, संस्कृत 6 घंटे में सीखी जा सकती है, लेकिन हिंदी आजीवन नहीं सीखी जा सकती है। हिंदी, क्योंकि हिंदी का व्याकरण जो है वो संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी, संपूर्ण भाषाओं का समुच्चय है। अभी आप आगे के क्लास में जब हिंदी के शब्द को पढ़ेंगे, शब्द भंडार को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, न जाने कितने शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ, यह जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हिंदी शब्द आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं वह हिंदुस्तान की नहीं है, वह फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, प्राचीन काल में भारत आर्यों का देश था, यहाँ पर आक्रमणकारी आक्रांता आते थे। एक समय ऐसा हुआ जब ईरान के लोग सिंधु नदी को पार करके भारत आए, तो सिंधु को उन्होंने हिंद कहा, हिंद कहा, और यहाँ के लोगों को हिंदू और यहां की भाषा को हिंदी। इस प्रकार हिंदी का जन्म सिंधु शब्द से हुआ। अब हिंदी भाषा के रूप में कब प्रयुक्त हुई, यह भी एक अलग प्रकृति का प्रश्न है। तो जब प्रश्न आए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सिंधु से हुई है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने पहली बार हिंदी को भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया और उन्होंने अपने फारसी भाषा के शब्दकोश खालिक बारी, ध्यान रखिएगा बच्चों, खालिक बारी बार बार प्रश्न में पूछा है, यहाँ तक कि यसाई से लेकर बड़े बड़े आयोग की परीक्षाओं में पूछा है कि खालिक बारी किस प्रकार का ग्रंथ है। खालिक बारी अमीर खुसरो के फारसी भाषा का शब्दकोश है। वहाँ वहीं पर पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया और इसीलिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और इतना भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो प्रयोग के आधार पर, भाषा प्रयोग के आधार पर, भाषा हिंदी भाषा का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने खालिक बारी में किया और इस खालिक बारी से ही हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। और हिंदी का जो तीसरा पक्ष है वह विकास की दृष्टि से है। तो हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ। आप सभी को विदित है कि
कि यहाँ आर्य प्राचीन काल से ही रहते थे, और जब प्राचीन काल से आर्य रहते थे तो प्राचीन काल से आर्य रहते थे तो ये भारत आर्यों का देश था, और जब आर्यों का देश था तो जाहिर सी बात है आर्यों के समय को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन, प्राचीन समय, दूसरा है मध्यकालीन समय और तीसरा है आधुनिक समय। इसी आधार पर हम उनकी भाषा को भी तीन भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब एक एक भाषा का निश्चित समय, और हम देखेंगे उस समय कि उन भाषाओं को और उनकी रचनाओं को। तो हम पहले प्राचीन आर्य भाषा को पढ़ते हैं और प्राचीन आर्य भाषा के समय को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमको विदित होता है कि प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। तो 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब होता है, बहुत ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व होता है। उसका जो गिनने का क्रम है वह उल्टी गिनती जैसे होता है। सब लोगों ने उल्टी गिनती तो पढ़ा होगा ना, कक्षा 1, 2, 3 में 100, 98, 99, 93, 95, फिर अंतिम में 1। तो ठीक इसी प्रकार से जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, इवन यूं कहें कि सिंधु सभ्यता के बाद का जो समय था वो हमारा प्राचीन समय प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका जो समय निर्धारित किया गया, कहीं कहीं बच्चों 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व भी मिलता है, लेकिन मानक जो समय निर्धारित किया गया विद्वानों द्वारा वह यही है। इसको भी इस समय की भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। इसका भी समय निर्धारित किया गया, तो पहले का समय निर्धारित किया गया 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व और दूसरे का निर्धारित किया गया 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत में 4 महत्वपूर्ण वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांग सूत्र इस वैदिक संस्कृत का एक हिस्सा है जो आज भी पढ़ने में बड़ा कठिन है। जाहिर सी बात है, मैंने कल की क्लास में बोला था भाषा कठिनता से सरलता की ओर गति करती है। तो भाषा जब कठिनता से सरलता की ओर गति करेगी तो जो चीजें कठिन लगेगी उसको का विकल्प ढूंढा जाएगा, उसका सरलीकरण होगा। तो ये लौकिक संस्कृत थोड़ा सा सरल संस्कृत थी, जहां पर रामायण और महाभारत लिखे गए। अब कभी कभी पूछता है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि और महाभारत के रचनाकार वेदव्यास हैं।
और कभी कभी पूछता है यह जो रामायण और महाभारत है किस संस्कृत का हिस्सा है, तो लौकिक संस्कृत का हिस्सा है। इधर जो वैदिक संस्कृत में है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से प्राचीन आर्य भाषा आपकी हुई। दूसरा जो हिस्सा है वह है मध्यकालीन आर्य भाषा का, और मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो है 500 ईस्वी पूर्व से मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। यह जो समय है बड़ा ही लंबा है, और इन भाषा को हम, इसमें तीन भाषाएं प्रमुख आती हैं। पाली, जिसका समय होता है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। फिर होता है प्राकृत, जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अंतिम में आता है अपभ्रंश, जिसका समय होता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। यही हिंदी के जन्म के लिए बड़ा निर्णायक होता है, अर्थात हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। और दूसरे टाइप का जो सवाल पूछेगा हिंदी की जननी भाषा कौन है, तो वह है हमारी संस्कृत। देखिएगा दोनों सवालों की प्रकृति में अंतर है, इसलिए उत्तर में अंतर है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से होगा और हिंदी की जननी भाषा कौन कहलाएगी, संस्कृत। तो बच्चों परीक्षा में अतिरेक उत्साह की वजह से आप गलत मत करिएगा। तो जो पाली है वह गौतम बुद्ध की भाषा है, गौतम बुद्ध के समय की भाषा है। गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक, सुप्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक जो लिखा वह इसी भाषा में। प्राकृत, प्राकृत जैन मुनियों की भाषा है, और जैन मुनियों ने जो उपदेश लिखे वो प्राकृत भाषा में है। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या भ्रष्ट। कहा जाता है ये कम पढ़े लिखे अभीरों की भाषा, और अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हमारा 16 महाजनपद था अशोक के समय, उन्हीं 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद बड़े शक्तिशाली थे, उन्हीं के नाम पर अपभ्रंश के प्रकार होंगे, जिसको मैं अभी आपकी क्लास में समझाता हूं। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ, और अंत में आता है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा का समय था 1000 ईस्वी से अब तक, अर्थात 1020 वर्ष
का समय जो है आधुनिक आर्य भाषा का है, जिसमें हम हिंदी जो आज मानक हिंदी बोल रहे हैं उसका विकास पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, तो जाहिर सी बात है अपभ्रंश का भी विकास हुआ होगा, उसके भी प्रकार होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अपभ्रंश के प्रकार को। अपभ्रंश के प्रकार और उनसे निकली भाषा। भाषा पहला जो अपभ्रंश है वह सौर सैनी अपभ्रंश है। सौर सैनी अपभ्रंश है, यह बहुत ही प्रसिद्ध अपभ्रंश है। इससे पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। दूसरा अपभ्रंश है वह है मागधी। इसमें बिहारी हिंदी उड़िया बंगला असमिया का विकास हुआ। तीसरा जो है अर्धमागधी आधी विशेषता सौर सैनी की आधी मागधी की मिलकर अर्धमागधी बना। इससे एक ही भाषा का विकास हुआ पूर्वी हिंदी। जाहिर सी बात है कि रीवा पूर्वी हिंदी का ही क्षेत्र है। और अगला जो अपभ्रंश है वह है खस। खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। अगला जो अपभ्रंश है वह है पैसाची पैसाची से पंजाबी आया और लहदा लहदा। अगला जो अपभ्रंश है वह ब्राचट ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी निकली। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार आयोग उच्चतर आयोग MPPSC व्यापम उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती बिहार शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश DGT PGT में बार बार ये सवाल पूछा है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो सिंधी भाषा का विकास ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपभ्रंश है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। SI के किसी न किसी दिन के सेट में जरूर रहेगा। ब्राचट से किस अपभ्रंश का विकास हुआ, ब्राचट से किस भाषा का विकास हुआ, सिंधी। या यू सवाल करेगा कि सिंधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ब्राचट से हुई है। और अंतिम जो अपभ्रंश है वह है महाराष्ट्री महाराष्ट्री। इससे जो निकली है भाषा वो है मराठी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों
कि इतने सारे अपभ्रंश से इतनी सारी भाषाएं निकली हैं, हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है हिंदी, और जब हिंदी पढ़ना है तो हम देखते हैं कि इन सारी भाषाओं में हमको हिंदी कहाँ कहाँ मिलती है। तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा जो हिंदी है वो बिहारी है, चौथा हिंदी है पूर्वी हिंदी, और पांचवा जो हिंदी है वो है पहाड़ी। तो इन सभी भाषाओं के विकास में पांच ही भाषाएं हिंदी की दिखाई पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है ये हिंदी की उपभाषाएं होंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं हिंदी और उसकी उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाओं से तात्पर्य यह है कि हिंदी विभिन्न वर्गों और विभिन्न संप्रदायों में बोली जाती है, और हिंदी के अनेक रूप हैं, इसीलिए हमको मानक हिंदी का एक रूप स्वीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब जो मानक हिंदी है वह है खड़ी बोली, जो आज प्रयोग में है। और खड़ी बोली जो है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जो आज भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। तो इसलिए, और पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो उत्तर है सौर सेनी अपभ्रंश से। अब सौर सेनी अपभ्रंश से क्यों, उसके कारण को मैंने बता दिया है, आप समझ गए होंगे। अब हिंदी और उसकी उपभाषाएं, ध्यान रखिएगा हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। बहुत सारे विद्वान 17 मानते हैं, बहुत सारे विद्वान 19 मानते हैं, लेकिन जो मान्य है वह है 18 बोली। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनमें पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है बिहारी, चौथी है पूर्वी हिंदी, पांचवा है पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 6 उपबोलियां हैं। कल की क्लास में हम हिंदी भाषा और उसकी उपभाषाओं में बोलियों तथा संवैधानिक स्थिति, जो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसकी स्थितियों की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। टारगेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।